नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निजी समिति के सहयोग से हर साल दिव्यांग बच्चों और उनके बालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज जिला स्तरीय प्रशिक्षण विदिशा में आयोजित किया गया। दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता को बुलवाकर शिक्षा ग्रहण करने और घर पर दिव्यांग बच्चों का ख्याल किस प्रकार रखा जाए, इस बात का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रतिवर्ष बालक प्रशिक्षण रखा जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से, और इस वर्ष भी रखा गया है। इसमें बच्चों को, दिव्यांग बच्चों के लिए किस तरीके से शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए, पालक की क्या भूमिकाएँ होनी चाहिए, इस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उन पालकों को। घर पे भी होम बेस्ड एजुकेशन का भी प्रावधान है। इसमें हमारे जो CWSL विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो शालाओं में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की शिक्षा कैसी है, उन्हें शिक्षा जो दी जा रही है उसमें पालक की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी ये अधिकार है कि उनका बच्चा जो शाला में जा रहा है वो क्या सीख रहा है, उसे क्या सीखना चाहिए, उसे आगे आकर के उसे शिक्षक को बताना पड़ेगा, उसे सहयोग करना पड़ेगा। इस हेतु ये आज का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। और इसमें दिव्यांग बच्चों को हमारे क्या क्या सुविधाएँ प्राप्त हो रही है उसकी भी जानकारी है। मैम, जो दिव्यांग बच्चों का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया और कितने लोग आए? यहाँ पर ये हमने डायरेक्ट में रखा है आज का ये प्रशिक्षण जिले स्तर पर। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।